खुशी की गल है कि मानयोग श्री ओम प्रकाश जी चौहान जेडे लंबे समय तो सारी जिंदगी इन्होंने राजनीतिक तौर उत्ते देश की कौम की हरियाणा प्रांत की वड्डी सेवा की है करते आ रहे हैं। अज तक भी इन्हों का जरा जरा जड़ा वो उस सेवा विच रमिया होया। चौधरी देवी लाल जी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब नूं लोगों ने किसानों का मसीहा कहा। सारी जिंदगी उन्होंने किसानों की खातर अपना वड्डी राजनीति विच ते देश की सेवा विच निभाया। अज भी जे कोई किसानों के हितों की गल करता तो सब तो पहली एग्जाम्पल जी है चटाला परिवार की आती है, श्री देवी लाल जी की आती है, श्री ओम प्रकाश चटाला जी की आती है। सो मैं समझती हूँ कि अज लोड़ है यहोजे राजनीतिवाना की, अज लोड़ है इन महान शख्सियतों की सीध लैन की कि किन्ना सहज विच ते किन्ना सिदक विच इन्होंने अपनी जी जिम्मेवारी सी पूरे पारदर्शी ढंग निभाई। श्री ओम प्रकाश चटाला जी ने भावें वड्डियां मुसीबतों का सामना करना पिया, वह भी क्यों, क्योंकि लोगों को रुजगार दिता सी, रुजगार दिता उहदे विच चाल खेड के सरकारां ने फसा के चटाला साहब नूं वड्डियां तशद्दद दित्ते। पर मैं समझदी अडोल एक शख्सियत है जिहड़े डोले नहीं, अज भी भावें वह अवस्था उन्हां दी सेहत पक्ष तो कमज़ोर भी लगती है पर दिल जिहड़ा उन्हां दा उही है सेवा विच जुटिया होया। तो मैं आस करांगी कि गुरु रामदास दे घर विचों मत्था टेकना है, गुरु कृपा करे से गुरु रामदास जी कृपा करन कि उन्हां नूं बल बख्शन, हिम्मत बख्शन, आने वाले समय में ये अपनी स्टेट की इस तरह अगवाई करते रहन जिदा उन्होंने मुख बतौर मुख्यमंत्री सेवावान निभाइया। वाहिगुरू कृपा करे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, श्री ओम प्रकाश चटाला जी की जोड़ी जिहड़ी सी इह लोकां दे विच अज भी बहुत सत्कार नाल जानी जाती है कि इन्होंने राजनीति में बहुत वड्डियां जिते कौम दीआं सेवावां कीतीआं उत्थे आपसी विच भी बड़ी भाईचारक सांझ बना के इन्होंने हमेशा दुखां सुखां विच एक दूजे नूं तुरे है। मैं उन्होंने वैलकम कर दी हूँ, जी आया कहनी है तो वाहिगुरू अगे अरदास है गुरु रामदास जी की तंदुरुस्ती बख्शन चढ़दी कला नाल सेवावां झोली विच। मैं जन्म तो लैके हूँ मैं 87 साल का हो गया, 115 साल जीवांगा। मेरी इतने बहुत श्रद्धा आस्था, जब भी मौका मिलता है मैं इतने आके शीश झुका हूँ, उन्होंने आशीर्वाद लगा है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन किसानों को बधाई देने गया जो दिल्ली बॉर्डर पे पिछले 10 महीने से भूखे प्यासे गर्मी सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना बैठे हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस तब हुई जब उन आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग शामिल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी कारखानेदार और मजदूर किसान और कमेरा 36 जात के लोग इस कुशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ जात पात का जहर फैला करके जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उन्हें करारा सबक सिखाया जाएगा और भारतवर्ष एक सेकुलर देश के तौर पर उभर करके फिर विश्व के स्तर पर आएगा। है जी, जब इस देश के मुख्यमंत्री ये कहें कि लाठी और डंडे बरसाओ तो फिर देश की हालत क्या हो। आज हमारे प्रदेश में तो ये हालत है कि चीफ मिनिस्टर को उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दफ़ा लोगों ने उसके हवाई जहाज़ को हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया। कोई भी मंत्री और विधायक जो सत्ता पक्ष के जुड़े हुए हैं आज अपने क्षेत्र के किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। इस देश का हर नागरिक, जैसा मैंने अभी बताया 36 बिरादरी के लोग पुनः भारतवर्ष को एक कृषि प्रधान देश के तौर पर मान्यता प्रदान करने के पक्ष में,
मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है और सभी मुल्कों में भारतवर्ष जैसा सेकुलर देश और कोई नहीं था। यहाँ जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर सारे देश के लोग इकट्ठे हुए और निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आएगा और इस देश में मेहनतकश और कमेरे वर्ग के लोगों को उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा।